डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर रख दी जाए तो इसकी जो डेंस जो इसका कैपेसिटेंस है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं इसको लिख दिया विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो उसके लिए अब हमने काम करना है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव डेवलप हो गया। अब इसके बीच में हमने क्या कर रखा है, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। अब जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था वो कितना था, ई नोट। जो इसके अंदर डेवेल्प हो जाता है वो कितना है, ई पी। तो नेट इसके अंदर कितना बचेगा, ई। क्यों बचे बचा था वो, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, इसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा पी है। यहाँ पर आपने चार्ज कितना दिया है, क्याउ चार्ज इसको दिया है, और प्लेट्स का जो एरिया है वो कितना है, ए। ठीक है, एरिया हो गया ए। और यहाँ से जो इस स्लैब की जो थिकनेस है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है यहाँ पे, वो हो गई टी, और इन दोनों के बीच में जो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है वो डी ही है जो आपने माना हुआ था पहले। क्लियर है? तो यहाँ से कुछ भी अलग चीज नहीं की, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हमने इसका सिर्फ जो कैपेसिटेंस है वो फाइंड आउट करना है कि कितना हो जाएगा। तो एक तो आपको पता ही है, कंपैरिजन अगर आपको करना है तो पहले कितना था वो आपको पता होना चाहिए। पहले हम मान लेते हैं कि स्लैब रखने से पहले इसका कैपेसिटेंस सी नोट था, स्लैब रखने से पहले इसका कैपेसिटेंस सी नोट था, और वो कितना था, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। अभी हमने किया था एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, पहले ये था। बाद में कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, बाद में कितना हो जाता है। तो करो इसको, तो ये फॉर्मूला हमने किया था, ई नोट इज इक्वल टू ए बाई डी और बी इज इक्वल टू ई नोट डी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो तीन डिजाइन बन रहे हैं, एक ये एक ये एक ये, लेकिन ये और ये डिजाइन तो सेम है, दोनों वैक्यूम में है, और ये कैसा है, डाइलेक्ट्रिक, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इन दोनों डिजाइन में तो सेम है, बट इस डिजाइन में अलग है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, ई। इनमें वैल्यू कितनी है, जितनी आपने अप्लाई करी है। ठीक है, तो पहले इसको रख देते हैं, हम देख लेते हैं। तो टोटल जो पोटेंशियल आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, वी इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में है ये, कितने में है ये, टी में है, तो वी इज इक्वल टू ई टी। यही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ सेम ही है। और बाकी कितना डिस्टेंस बचेगा, टोटल कितना है, डी। टी हो चुका है कैलकुलेशन, बाकी कितना बचेगा, डी माइनस टी। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इंटू डिस्टेंस डी माइनस टी। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे ई है, ई की वैल्यू हमें, ई नोट जो तो हमने अप्लाई करी है तो वो तो हमें पता ही होगी, ई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो क्यों ना इसको रिमूव भी कर दिया जाए। और आपको पता है रिमूव कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि के इज इक्वल टू ई नोट बाई ई एंड ई इज इक्वल टू ई नोट बाई के, लिख सकते हैं इसके जगह। तो इसको मैंने पुट कर दिया, वी इज इक्वल टू ई की जगह क्या आ गया, ई नोट बाई के प्लस ई नोट इंटू डी माइनस टी, और ई की जगह ई नोट बाई के आया, और साथ में क्या है यहाँ पे, टी भी है। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करना है। ई नोट यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो ई नोट को हम यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, ई नोट, और यहाँ पर बच गया टी बाई के प्लस ई नोट कॉमन हो गया, तो यहाँ रह गया डी माइनस टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ई नोट को आप क्या पुट कर सकते हो, किया हमने ई नोट को हम पुट कर सकते हैं, यहाँ से किया है एप्सिलॉन नोट ई को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, ये रखा है ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। तो मैंने इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, तो ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और सिग्मा को क्या लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहीं पर मैंने इसको भी लिख दिया चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर हो गया, वे की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप इसको सी की वैल्यू में पुट कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और वी कितना है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट इंटू टी बाई के प्लस डी माइनस टी। इतनी वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्यू से क्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो सी कितना हो जाएगा, ये बच गया हमारे पास ए एप्सिलॉन नोट टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है इसको इसके साथ,
आपके पास वैल्यू आई है ये आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है, तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व करो कि आपको डिवाइड में डी मिल जाए, तो क्यों ना आप यहाँ से डी कॉमन ले लेते हैं, जो भी आपके पास बचता है वहाँ से डी कॉमन ले लो, और डी को भी टी इकट्ठा करके डी कॉमन ले सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय इन टी को, टी वाले टर्म्स को एक साइड रख लो, तो ये बन गया डी प्लस ए बाय के, कितना बन जाएगा डी, इसमें से यहाँ से डी को मैंने आगे लिख दिया है और टी बाय के, और ये बच गया टी बाय के माइनस टी, ये हो गया। माइनस को अगर बाहर करके लिख दूँ मैं तो कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस, तो ये कितना बन गया वन माइनस टी बाय के, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, सिर्फ माइनस जो है वो बाहर करके लिख दिया गया, साइन चेंज कर दिए, अंदर साइन चेंज हो गए, ठीक है। और ये वन नहीं था, ये टी था। अब यहाँ से आप टी कॉमन ले सकते हो, लेकिन अभी हमें लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डी कॉमन ले लेते हैं, तो डी कॉमन लेके कितना आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यहाँ क्या बच गया वन माइनस, यहाँ डी है ही नहीं है, तो इसको लिख दिया मैंने वन बाय डी, और इनमें से टी भी कॉमन ले लिया, चलो यहाँ पे टी भी हो गया, तो कितना हो गया वन माइनस वन बाय के बच गया। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी को सी लिख सकते, सी नोट लिख सकते हैं, सी नोट इज द कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो नहीं लगाई हुई थी, तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया सी नोट वन माइनस टी बाय डी इंटू वन माइनस वन बाय के, ये आपके पास आपकी इक्वेशन आई है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ से क्या सोल्यूशन आपको मिल सकता है, सी नोट जो है वो पहले था, सी के इक्वल है ये सारे टर्म, तो ये क्वांटिटी कैसे रहेगी, वन में से कुछ माइनस हुआ, क्या माइनस हुआ, के हमेशा क्या होता है, के हमेशा एक से बड़ा होगा, अभी आपको बताया भी था वन से लार्जर होगा, तो वन से इसको डिवाइड किया तो वन से छोटी टर्म, फिर वन में से वो माइनस हो गई, यानी कि और कम होगी, वन से छोटी टर्म आएगी, कोई ना कोई जो टर्म बनेगी ये वन से कम हो जाएगी। उसके बाद टी बाई डी, टी छोटा होता है, टी इज द थिकनेस ऑफ द दिस स्लैब, और टी क्या है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो टी छोटा है डी बड़ा है, यानी कि ये भी एक छोटी टर्म बनेगी वन से, ये भी वन से लेस है, ये भी वन से लेस है, दोनों को जीरो पॉइंट समथिंग ही एक आएगा, जीरो पॉइंट समथिंग दूसरा आएगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटी हो जाएगी, आपको पता ही है पॉइंट्स वाले टर्म डेसिमल वाले टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटे हो जाते हैं, तो ये और छोटी हो जाएगी, और फिर उस छोटे टर्म को आप वन से माइनस भी करोगे यानी कि और छोटी हो जाएगी, तो सी नोट को आपने डिवाइड करना है एक से छोटे टर्म से, तो जब भी आप वन से छोटे टर्म से डिवाइड करते हो तो वो क्वान्टिटी इंक्रीज हो जाती है, और एक से बड़े टर्म से डिवाइड करोगे तो वो क्वान्टिटी लेस हो जाएगी, और एक से ही डिवाइड करोगे तो वो सेम रहेगी। जैसे कुछ भी है आप फाइव को मान लो, फाइव को डिवाइड कर देते हैं 0.5 से, एक से छोटा है ना, वन से डिवाइड करेंगे तो फाइव ही आएगा, टू से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, और अगर 0.5 से डिवाइड कर दें तो निकाल के 0, 10, तो 5 को 0.5 से अगर डिवाइड किया तो कितना आया 10 आया, एक से छोटे टर्म से डिवाइड किया तो बड़ी टर्म बन गई। सेम ऐसे ही सी नोट को एक से छोटे टर्म से आपने डिवाइड कर दिया है, इसलिए ये क्या बन जाएगी, ये बड़े टर्म हो जाएगी। मीन्स कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखती है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो वो उसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। कितना मान लो आप इसको लिख सकते हो, सी इज ग्रेटर देन सी नोट, ठीक है। अगर इसको आप बढ़ा दो, फुल कर दो, यहाँ से यहाँ तक मिला दो, यानी कि पूरे स्पेस में जो है स्लैब रख दी, मीन्स टी इज इक्वल टू डी हो जाए, तब क्या होगा, टी इज इक्वल टू डी, तो ये कितना हो गया वन ही हो गया, तो ठीक है ये वन हो गया तो ये भी वन हो गया। इसको पुट करके देखते हैं, सी इज इक्वल टू सी नोट वन माइनस, ये वन होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वन, माइनस माइनस इसके साथ होगा तो ये प्लस, तो वन बाय के, वन से वन कैंसिल, के है तो ऊपर चला जाएगा, तो सी इज इक्वल टू के सी नोट। अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी विड्थ इनके बीच में जो सेपरेशन है उसके इक्वल ही रख देते हो, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज होके K
के टाइम्स हो जाएगा जो कि पहले था विदाउट स्लैब था उसके के टाइम्स हो जाएगा, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो आज आपने सिर्फ इतना करना है, ये टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम अगले टॉपिक्स करेंगे।